यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। संत मार्कोस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 7। मेरे प्यारे विश्वासियों, आज हम सबों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज माता कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण का पर्व मनाती है। रूपांतरण यानी एक इंसान जब ईश्वर के साथ मिलते हैं, ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, उन इंसान के साथ जीवनी बदलाव होती है। हो सकता है शारीरिक बदलाव या मानसिक आध्यात्मिक बदलाव। तो आइए कुछ देर आज का इस पर्व पर मनन चिंतन करें। यह पर्व मेरा जीवन में क्या महत्व लाता है, मेरे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है इस पर्व का? क्या प्रभु यीशु मसीह को जरूरी था रूपांतरण होने का? क्या प्रभु यीशु मसीह को जरूरी था लोगों को दिखाने के लिए वो स्वयं कौन है? ये शायद है प्रभु को जरूरी नहीं था, लेकिन उन शिष्यों के लिए जरूरी था यह पता करने के लिए कि प्रभु स्वयं ईश्वर के पुत्र हैं। और वहां पे ईश्वर स्वयं शब्द कहते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मैं जीवन में कितने बार प्रभु को सुनता हूं, प्रभु का वचन को मेरा जीवन में कितने बार लेता हूं, और कितने संत पेत्रुस कितने अच्छे से कहते हैं, यह होना हमारे लिए कितना अच्छा है, यह होना हमारे लिए कितना अच्छा है। एक महत्वपूर्ण वाक्य प्रिय भक्त बहनों, ये साधारण वाक्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि प्रभु के साथ रहना कितना अच्छा होता है, प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के सम्मति में रहना हमें कितना अच्छा होता है, क्योंकि वहां पे स्वयं प्रभु को अनुभव कर सकते हैं, प्रभु की शांति अनुभव कर सकते हैं, प्रभु की प्रेम अनुभव कर सकते हैं, प्रभु का जो आस्था है, जो आशीष है, जो कृपाएं हैं, उनको हम अनुभव कर सकते हैं। हो सकता है उन तीनों शिष्यों के एक अनोखा अनुभव था। हो सकता है उन्होंने सोचा नहीं था कि वो ऐसे देखने वाले हैं। जब मैं प्रार्थना करने जाता हूं, जब मैं मिस बलिदान में भाग लेता हूं, जब मैं प्रभु को उस रोटी के रूप में ग्रहण करता हूं, मेरा अनुभव क्या है? क्या मैं भी कह सकता हूं, अरे यहां रहना कितना अच्छा है, प्रार्थना करने कितना अच्छा लगता है? या मैं ये सोचता हूं कि कब प्रार्थना खत्म होती है, मिस बलिदान कब खत्म होगा, प्रभु फादर का प्रवचन कब खत्म होगा? क्योंकि हम यही नहीं सोचते कि मैं प्रभु के सानिध्य में हूं, मैं प्रभु के साथ हूं, मैं प्रभु को सुनने आया हूं, मैं प्रभु के साथ कुछ समय बिताने आया हूं। यदि ये प्रश्न प्रिय भाइयों बहनों हमारे जहन में हमें चुभेंगे, तभी हम कह पाएंगे यहां रहना कितना अच्छा है। मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, हमारे जीवन में भी अंधेरा आता है। जब उस अंधेरे के समय बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं, क्या लूं क्या न लूं, किस रास्ता अपनाऊं किस रास्ता छोड़ दूं, मैं उस समय क्या करता हूं, किससे मदद मांगता हूं, क्या प्रभु वहां पे मेरे लिए काम आते हैं, क्या स्वयं प्रभु पर आस्था रखते हुए, विश्वास रखते हुए मैं प्रभु से मदद मांगता हूं? आइए आज के दिन जब हम इस पर्व का मना रहे हैं, प्रभु का रूपांतरण हमारा रूपांतरण हो, प्रभु का ये एक वाक्य, यह मेरा प्रिय पुत्र है, वो हमारे जहन में आ जाए, और विश्वास के साथ प्रिय भाई तथा बहनों प्रार्थना करें, मिस बलिदान में भाग ले, प्रभु का वचन करें, तभी हम उन शिष्यों के समान, दोबारा मैं दोहरा रहा हूं, कह सकते हैं यह रहना कितना अच्छा लगता है। मेरे पास बहुत भाई बहन कहते हैं, फादर जी कितना अच्छा लगता है जब मिस बलिदान में हम जाते हैं, कितना अच्छा लगता है फादर जब प्रभु का वचन प्रतिदिन पढ़ते हैं। प्रिय भाई बहनों, आप और हम भी ऐसे महसूस करने में
कोशिश करें, ऐसे अनुभव करने में कोशिश करें, तब ये प्रिय भाई तथा बहनों हम दूसरों लोगों से अलग, दूसरों लोगों से हट के अपना जीवन बिता सकते हैं, क्योंकि प्रभु मेरे जीवन में है और प्रभु ने मुझे रूपांतरण किया है। और वो स्वयं ईश्वर जब देखता है मेरे अच्छे कार्यों को, और स्वयं प्रभु ईश्वर कहेगा, यह मेरा प्रिय पुत्र पुत्री है, इसके जीवन को देखो। आमीन।